तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्या TCS, अगर आप TCS में जॉब कर रहे हो उसके बाद आप छोड़ देते हो और क्या वापस से आप TCS ज्वाइन कर सकते हो, या HCL हो, इन्फोसिस हो, IBM हो, टेक महिंद्रा हो, कोई सा भी अपने में एक मल्टीनेशनल ब्रांड हो, अगर आप जॉब कर रहे हो या आप करने जा रहे हो और उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं उस कंपनी का ऑफर लेटर ले लूं फिर ज्वाइन ना करूं किसी और कंपनी में स्विच कर लूं, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है। तो देखो दोस्तों, मोस्टली मोस्टली इन द सेंस मैं बोलूँगा कि 95 और 98% कंपनीज का ये रूल हो गया है कि अगर आपको कंपनी ने ऑफर लेटर इशू कर दिया है और ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिया और आपने 2 दिन, 4 दिन या 6 दिन या आपका एम्प्लॉय आईडी क्रिएट हो गया, उसके बाद अगर आप वो कंपनी ज्वाइन नहीं करते हो तो ये फैक्ट है कि वो कंपनी आपको दोबारा नहीं लेती है। TCS जैसी कंपनी हो गए, इन्फोसिस जैसे कम ब्रांड हो गए, ये आपको दोबारा चांस नहीं देते हैं। लेकिन स्टिल कुछ कंपनी अभी भी हैं कि वो कुछ टाइम के लिए आपको ब्लैक लिस्ट करती हैं, जैसे कि HCL हो गया या विप्रो हो गया, हो सकता है 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट, आई थिंक विप्रो का 5 साल का है। अगर आपने विप्रो ज्वाइन करने के बाद अगर आपने कंपनी छोड़ दी है तो 5 साल तक विप्रो आपको वापस से नहीं लेगा। अच्छा, HCL में कुछ टेन्योर है, 3 ईयर, 5 ईयर, वॉट एवर जो भी हो, बट मैं आपको ये एक जनरली सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप किसी भी MNC कंपनी में अगर आपने इंटरव्यू दिया, आपने ऑफर लेटर ले लिया, एम्प्लॉय आईडी ले लिया और मीन्स एम्प्लॉय आईडी जनरेट हो गया, 1-2 दिन इंडक्शन भी अटेंड कर लिया, 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने या 2 महीने या 6 महीने जॉब करने के बाद अगर आप छोड़ना चाहते हो तो आप ये जरूर अपने माइंड में बैठा के रखें कि वो कंपनी मुझे दोबारा नहीं लेगी। हो सकता है 5 साल बाद ले, बट आप हमेशा ये सोच के चलो कि उस कंपनी से आपके लिए हमेशा के लिए अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी, उस कंपनी में आप दोबारा से ज्वाइन नहीं कर सकते हो। बट हाँ, फिर भी एक स्टिल ऑप्शन होता है कि यार मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे ब्रांड हैं, अगर आपको कहीं से अच्छा ऑफर मिल रहा है, कोई ABC कंपनी है मान लो, वो एक MNC कंपनी है, आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो, इसके बाद में आपको कहीं अच्छा ऑफर लेटर मिल गया, अच्छा मान लो सपोज अगर आप 10 लाख के पैकेज पे जॉब कर रहे हो और आपको 20 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो फिर आप वो चीज़ कर सकते हो कि 10 लाख से डायरेक्ट आप 20 में जा रहे हो, 15 लाख में जा रहे हो ईयरली पैकेज में, तो वो आप कर सकते हो। फिर ये मत सोच के बैठो नहीं वो कंपनी हमें दोबारा लेगी नहीं, क्योंकि आप अराउंड 25 से 30 साल के आसपास टोटल जॉब करते हो या 35 साल मान लो, 35 साल तक जॉब करते हो, तो 35 साल में अगर हर एक साल में एक कंपनी भी अगर छोड़ते हो तब भी आप 35 कंपनी ही छोड़ पाओगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करो मार्केट में या कंपनीज, तो 500 मिनिमम कंपनीज, देखो Fortune 500 तो सीधे सीधे कंपनी है, इसके बाद में बहुत अलग अलग ब्रांड है, तो आपको यहाँ पे हजारों लाखों कंपनी मिल जाएंगी जो कि आपकी एज तक, रिटायरमेंट एज तक आप स्विच नहीं कर पाओगे। तो ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, बट हाँ अगर आपको किसी कंपनी से लगाव हुआ है, किसी कंपनी में आपको अच्छा लगता है, तो ये चीज़ आपके माइंड में जरूर होना चाहिए कि वो कंपनी हम अगर छोड़ देते हैं तो कंपनी हमें वापस से नहीं लेगी। कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिनका 6 मंथ का ये टाइम पीरियड अगर कि आपने वो कंपनी ज्वाइन करी और छोड़ दी और फिर उस कंपनी में अगर आप जाना चाहते हो तो 6 मंथ तक आप वो कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।